ये जी जो हमारे भाई जी हैं जो ज़रा जानवरों को संभालते हैं, वो कोई एक दिन आज घास से चीज़ लेने गए, वो हमें उसके मुतालिक बताते हैं। की कहंदे ने इनू सिंजी। सिंजी पहले लोग हाँ बड़े जानवर आते तो ये छोटे वास्ते बाहर सब तो खुले होंगे, ऐसे बड़दा ना उड़े मारे चा ये छट्टा मार दे ये फिर ऐसे हो जाती है बड़ी बंदे तो बड़ी बड़ी खेत अच्छा में माल छाड़ दे। लीन दी फसल बीज जैमें बीज कर दें हैं। माल वास्ते अच्छा सिंजी कहंदे ने इन्हूं, अपने तो फिर बथेरी हैगी है इत्थे। अच्छा हाँ ये सो पक के इत्थे डिग डुग जाना है। सिंह जी ले जी एक न्यू चीज पता लगी है, ये है जी सिंह जी जानवरों के लिए। अच्छा अच्छा रकबे पहले तो रकबे खुले होंदे सी ना, जो मर्जी लगी जावे कोई टेंशन नहीं होंदी सी। 10 किलो फसल होंदी सी तो 50 किलो वेला भी आउंदा। हाँ ते उंदा ओ जेड़े वेले पे होंदे सी उंदे विच रुपए इक्को बारी खाले माड़े जे गंदे बंदे मार के सुट देंदे सी, तो फिर बारिश बूट जाते रो गए एवें गाह जे बन जांदे तो माल कर खुले। अच्छा जी तो ये जो चीज़ अभी बताई थी, ये जो मुलाजिम है ये इन्होंने मुझे बताई है कि ये जो हमारा प्लॉट खाली पड़ा है घास है, उसमें हम पानी वगैरह लगा देते हैं कि चलो बकरियां अंदर चलती फिरती रहें, खुश रहें, ज़रा वॉक शॉक हो जाए इनकी। तो उन्होंने बताया कि इस पे बीज होता है और ये बहुत सेहतमंद होता है, जैसे राया होता है, सरसों होता है, उस तरह का इसका बीज होता है और इसकी बड़ी फादियत है और इसका पौधा और झाड़ भी बन जाता है। तो कहते हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये हर चीज़ ही अच्छी है और यही चरागाहों में होती थी, हम पहले ये काश्त करते होते थे, इसका बीज फेंकते होते थे जो कि रकबा मतलब फसल वगैरह नहीं लगानी होती थी, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मैंने कहा आपसे इस वीडियो में ज़रूर शेयर करें। अरे पानी पी नहीं चला नहीं चलिए हाँ तो सारा दिन इसी तरह ही होता है, जो बकरियां वगैरह होती हैं हमारी वो इसी तरह ही सामने जो प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं इसके अंदर घूमती फिरती रहती हैं, चरती रहती हैं और काफ़ी इधर घास वगैरह और काफ़ी चीज़ें अंदर अंदर बीज वगैरह हमने फेंके हुए डिफरेंट किस्म के, तो कुछ ना कुछ उग आता है और वो खाती रहती हैं। और साथ इर्द गिर्द जंगल शंगल भी लगा हुआ है, मतलब दरख्त वगैरह काफ़ी हैं तो उधर फिरती रहती हैं सारी दोपहर। तो ये बहुत एक तो कॉस्ट कम हो जाती है और उसके बाद शाम जब ये अपना पेट भर लेती हैं, इधर से पेट भर जाता है इनका, और उसके बाद एक दो घंटे रेस्ट के बाद तकरीबन मगरिब की नमाज़ से पहले हम इनको पट्ठे जो होते हैं वो डाल देते हैं। तो बकरी जो होती है वो इस तरह चल फिर के खुश है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। हर चीज़ आपने अपने बजट अपने जेब के हिसाब से देखना है, आप बेशक इनको सोने के वर्क खिलाते रहें, जैसा मर्जी करते रहें, इन्होंने वही बच्चा देना है वही कुछ करना है। तो जो इनकी फीड मैनेजमेंट है आपने वो कंट्रोल करनी है। फिर बेशक बकरी 15,000 वाली है, 20,000 वाली है, 60,000 वाली है, 1,00,000 रुपए वाली है, वो सब आपको फ़ायदा देंगी अगर आप फीड ज़ीरो कर लें अपनी। ज़ीरो तो नहीं हो सकती लेकिन जितनी कम हो सके आप अपने फीड मैनेजमेंट का कंट्रोल कर लेंगे तो और अच्छा इन्वायरमेंट दे लेंगे तो आपको बकरी जैसी मर्जी है वो आपको इफेक्टिव उस बकरे है, ना लाज भी बहुत किता है। तो आज की इतनी सी वीडियो है, अगर आपको ना वीडियो दो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। शुक्रिया।